एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव को घोड़ों से बहुत प्यार था। वह अपने परिवार के साथ एक आरामदायक घर में रहता था और उनका चेतक नाम का एक घोड़ा मित्र था। हर दिन आरव और चेतक खूब मस्ती करते थे। वे हरे भरे खेतों में खेलते थे और आरव ने चेतक को स्वादिष्ट सेब दिए। आरव के दादाजी ने उसे बहुत पहले के बहादुर सवारों और जादुई घोड़ों के बारे में अच्छी कहानियां सुनाई। शाम को जब आसमान सुंदर रंगीन हो गया तो आरव घर आ गया। उनका परिवार रात के खाने के लिए एक साथ बैठा और आरव ने उन्हें चेतक के साथ अपने दिन के बारे में सब बताया। उन्होंने अपनी कहानियों में घोड़ों से मजेदार चीजें करवाई और सभी लोग हंसे। एक दिन खेल और दौड़ के साथ एक गांव का मेला लगा हुआ था। आरव बहुत उत्साहित था। वह और चेतक एक दौड़ में शामिल हुए। दौड़ शुरू हुई और वे हवा की तरह तेज दौड़े। जब उन्होंने सबसे पहले फिनिश लाइन पार की तो आरव को खुशी महसूस हुई। ग्रामीणों ने तालियां बजाई और आरव और चेतक की जय जयकार की। मेले के बाद आरव और चेतक साथ साथ मौज मस्ती करते रहे। उन्होंने घास के मैदानों की खोज की, तितलियों का पीछा किया और रात में तारों को देखा। आरव का गाँव एक लड़के और उसके घोड़े चेतक के बीच प्यार और हंसी मजाक के कारण एक खुशहाल जगह थी, और इसलिए आरव और चेतक के लिए छोटे से गांव में हर दिन जादू और अंतहीन रोमांच से भरा था।